बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल हेयर ग्रोथ का, हेयर की शाइन के लिए, हेयर में जो घुंघरालापन होता है उसको दूर करने के लिए बहुत ही स्पेशल ऑयल बना रही हूँ। 100% इफेक्टिव है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप मेथी दाना लिया है, ये आपको पंसार की दुकान से ईजीली मिल जाएगा। एक मैंने बॉटल ली है सरसों के तेल की और ये 250 ml है। एलोवेरा ऑयल चाहिए, ये भी पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा, ये हमने 8 टेबलस्पून ऐड करने हैं। एक अनियन चाहिए, प्याज, 2 गार्लिक के क्लोव्स चाहिए यानी लहसुन के जवे, और साथ मैंने यहाँ पर विटामिन ई के कैप्सूल्स लिए हैं बड़े वाले। तो इन तमाम चीज़ों से हम तेल को तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं लहसुन के जवों को छील लेती हूँ और अनियन को मैं काट लूँगी स्लाइस में। तो यहाँ पर मैंने अनियंस को स्लाइस में काट लिया है, लहसुन को भी मैंने पील कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है और इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। नॉनस्टिक का बर्तन इस्तेमाल ना करें, कोई सिल्वर की कढ़ाई आप ले सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। अनियन ऐड करेंगे, लहसुन के जबे साथ ही ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है यहाँ तक कि ये डार्क ब्राउन हो जाएं। यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, फ्लेम बिल्कुल लो है, हमने लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है ताकि प्याज का सारा असर ऑयल के अंदर आ जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं, अब हमने इसे कंटिन्यूस स्टीर करना है ताकि इक्वली ब्राउन हो। ये हल्के गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, इसे हमने डार्क ब्राउन करना है और अब हमने इसे कंटिन्यूस स्टीर करते रहना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इन्हें निकाल लेना है। इनको हम निकाल लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया था, ऑयल ठंडा हो गया, तकरीबन हमने इसे 2 मिनट ठंडा होने देना है और उसके बाद हम इसके अंदर मेथी दाना ऐड करेंगे। अगर हम गर्म ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो ये सारा जल जाएगा। और अब हमने फ्लेम को ऑन करना है बिल्कुल लो, और अब हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ब्राउन करना है। तो मेथी दाना यहाँ पर ब्राउन हो चुका है, फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर रखा है और इसे स्ट्रेन कर लूँगी। अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ऑयल को हमने ठंडा होने देना है। ऑयल थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ गया है, अब मैं इसके अंदर 8 टेबलस्पून ऐड करूँगी एलोवेरा ऑयल के। ये एलोवेरा ऑयल ऐड कर रही हूँ, 8 टेबलस्पून है, थोड़ा ठंडा होने पे ऐड कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर ये कैप्सूल ऐड करूँगी विटामिन ई के, काट के ऐड करूँगी। विटामिन ई के मैं 7 कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ, ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। विटामिन ई के कैप्सूल हम काट के इस तरह से ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ऑयल ठंडा हो चुका है। इसको मैं सरसों की जो जार वाली बॉटल थी उसी के अंदर ही मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ऊपर मैंने टैग कर दिया है। हेयर ऑयल 100% इफेक्टिव और यहाँ पर बेस्ट बिफोर May 15, आज April 15 है, तो ये 1 मंथ बिल्कुल ठीक रहता है। 1 मंथ के बाद आपने नया ऑयल बनाना है, सिर्फ आपने 1 मंथ के लिए ही ऑयल तैयार करना है, ठीक है। और ऑयल बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ऑयल हमारा तैयार हो चुका है, 100% इफेक्टिव है लॉन्ग हेयर्स के लिए, हेयर में शाइन के लिए, बालों को लंबा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डार्क करने के लिए, और इसकी जो कर्लीनेस है वो ख़त्म करने के लिए इफेक्टिव 100% है। बहुत बेस्ट है, बहुत यूज़फुल है, इसे बच्चे बड़े हर एज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको आपने फ्रेश बनाना है, 1 मंथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपने इसे दोबारा से बनाना है। तो 1 मंथ की ये सप्लाई बन चुकी है, इसे आप इस्तेमाल करें और मेरे साथ रिव्यूज़ अपने शेयर करें। इंशाल्लाह मैं भी 1 मंथ के बाद आपके साथ अपने रिव्यूज़ दोबारा से शेयर करूँगी।
तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।